हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी, परमिटिविटी एंड स्पीड ऑफ लाइट। राइट, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये परमेबिलिटी है म्यू नॉट, परमिटिविटी एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। म्यू नॉट इज परमेबिलिटी। देखिए, परमेबिलिटी मतलब हमें पता है इट इज अलाउंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट, that how many number of field lines, magnetic field lines can easily pass into a given medium, right? अगर हम mu naught लिखते हैं तो space की बात आएगी, right? This is for free space, right? Vacuum, जिसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, permeability मतलब allowance, how can easily the magnetic field lines pass into a given medium? तो permeability mu naught is equal to, आप क्या लिखते हैं, 4π × 10⁻⁷, ये इसकी value है, आपको पता है। राइट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। राइट, परमिटिविटी इज अगेन दिस इज अलाउंस ऑफ, यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा था तो यहां पर क्या होगा, अलाउंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, अलाउंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू अ गिवन मीडियम। अगर हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो अलाउंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम या फ्री स्पेस कहेंगे आप। राइट, चलिए, तो ये परमिटिविटी हुई। c को हम क्या लिखते हैं, इट इज c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। चलिए, अब देखिए रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो मान लीजिए अगर मैं इनको प्रोडक्ट में लिखूं, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को, तो देखिए अब क्या कर सकते हैं हम यहां पर, आप यहां पर इस रिलेशन को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। म्यू नॉट है तो उसके डिनोमिनेटर में मैं 4π मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, म्यू नॉट के डिनोमिनेटर में 4π मल्टीप्लाई किया। अगर नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4π। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब आप देखेंगे ये जो है वैल्यू म्यू नॉट बाय 4π। देखिए, अगर मैं 4π को यहां पे ले लूं इसके नीचे, तो म्यू नॉट बाय 4π क्या होगा, वैल्यू 10⁻⁷। तो इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁷, ठीक है, इनटू, अब देखिए आपको पता है 1/4π ε₀ इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं, 9×10⁹ लिखते हैं। क्लियर, इसका मतलब 1/9×10⁹ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π ε₀ हो जाएगा। तो आप 4π ε₀ की जगह क्या लिख सकते हैं, इट इज 1/9×10⁹। देखिए अब क्या होगा, इसे डिनोमिनेटर में ले लें, मतलब 9×10⁹ 7, ठीक है, यानी क्या होगा, दिस इज 1/9×10⁻⁶, जो है 1/3×10⁸। अभी c जो है स्पीड ऑफ लाइट, वो आपको पता है उसकी स्पीड की कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट, ये हमें वैल्यू पता है, मतलब यहां पर ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे लिए क्या हुआ, आप देख सकते हैं ये रिलेशन हमारे लिए 1/c² हुआ। देखिए 1/c² हुआ, तब आप इसे कैसे लिखेंगे, देखिए ये रिलेशन यहां पर आप क्या हुआ, देयरफॉर c² इज इक्वल टू 1/μ₀ × ε₀, मतलब c इज इक्वल टू 1/√μ₀ × ε₀। ये रिलेशन हमें यहां पर मिला। क्लियर, थैंक यू।